नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। स्कूटर को भी आज ही खराब होना था, ऊपर से गैराज वाला लेगा 4 दिन, ऑफिस का ओवर टाइम करो वो अलग, रात को कोई ना ऑटो वाला आने को तैयार है ना रिक्शा वाला आने को तैयार। ये क्या है ये? कुत्ते वाली गली है, इसका मतलब ये थोड़ी कि रात को आओगे तो कुत्ता काट लेगा। इनका बस चले ना तो आम आदमी की जान ले लें। जान तो हम लेंगे। तुम फिक्र मत करो, उस गोवर्धन को हम हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। गोवर्धन मतलब साढ़ू साहब? उस गोवर्धन के साथ ही तुम्हारी जिंदगी की सारी तकलीफें चली जाएंगी। छिपकर क्या सुन रहे थे तुम? मैंने कुछ नहीं सुना है, प्लीज प्लीज। मैंने देखा है भगवान दास कि तुम कुछ छिपकर सुन रहे थे। अरे इतना फपलाने की क्या हो सकता है भगवान दास? अच्छा चलो ये बताओ, इतने घबराए हुए क्यों हो भाई? मर्डर होने वाला, मर्डर। अच्छा तो ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं भंडारा हो रहा है। अरे मर्डर मतलब खून, कत्ल। अरे मुझे इतने सारे पर्यायवाची बताने की आवश्यकता नहीं है भगवान दास। मैं अंग्रेजों के जमाने में भी था और मुझे इंग्लिश आती है। Now tell me, how did you come to know? Very good. मैंने अभी अभी एक आदमी को सुना है, वो कह रहा था कि वो गोवर्धन को रास्ते से हटा देंगे। अच्छा तो तुम गोवर्धन मिश्रा की बात कर रहे हो? कौन गोवर्धन मिश्रा? अरे यार मैं उसकी बात क्यों करूंगा, मैं अपने गोवर्धन गोवर्धन दुबे साढ़ू साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। गोबर बेटा बोलो ना भगवान दास, इस दुनिया में न जाने कितने गोवर्धन होंगे। करेक्ट करेक्ट, ये किसी और गोवर्धन की बात कर रहा होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है भगवान दास की मर्डर ही नहीं हो रहा हो, तुम्हारी गलत फहमी हो। अरे नहीं, गलत फहमी नहीं है, मैंने अपने कानों से सुना है। उसने कहा है कि गोवर्धन को रास्ते से हटा देंगे, ऐसा सुना है। यानी कि कोई सचमुच गोवर्धन की जान लेना चाहता है? हाँ वो पता नहीं। अच्छा ये पूरा नाम क्या बताया? पूरा नाम तो नहीं बताया, मतलब नहीं सरनेम नहीं बताया, सिर्फ गोवर्धन कहा है। तो अपना गोबर बेटा भी हो सकता है भगवान दास? मतलब हो सकता है क्या शिवाय? अरे नहीं 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 हो सकता, कहां से होगा। अपना गोबर बेटा तो दरोगा है, प्लस उसकी कानपुर में रंगबाजी है, कैसे? नहीं नहीं वो नहीं हो सकता। सही कह रहा हूँ, वो तो पुलिस वाले हैं। लेकिन भगवान दास मैंने सुना है, कई बार पढ़ा है न्यूज़पेपर वगैरह में और टीवी पर भी देखा है कि पुलिस वालों की हत्या भी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गोबर बेटा के खिलाफ साजिश वाजिश कुछ ऐसा? यार तुम ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, बताओ ना कि हत्या होने वाली है या नहीं। अरे मैं कहां से बताऊंगा भगवान दास, सब कुछ तो तुमने सुना है, मुझे क्या पता कि गोबर बेटा की जान खतरे में है या नहीं। नहीं नहीं नहीं, उनकी जान खतरे में नहीं है। क्या है कि माना कि रिश्वतखोर हैं, लेकिन एक कद्दू और लौकी के लिए कोई किसी की जान क्यों लेगा। सही बात। शिवाय तुम टेंशन मत लो, ये कोई और ही गोवर्धन है, अपने गोवर्धन नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, गला सूख रहा है, पानी पी लूं थोड़ा, है ना। वाह भगवान दास वाह, मतलब अपने भाई बंधु की जान मुसीबत में आई तो तुम परेशान हो गए, और जब किसी दूसरे की जान जा रही है तो मुझसे बोल रहे हो कि शिवाय टेंशन मत लो। अरे मम्मी जल्दी टिफिन दो। हाँ बेटा। ये लो। कद्दू बनाए मम्मी? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ कद्दू खाते हैं? क्या यार, घर पे सब पापा के हिसाब से चलेगा क्या? मैं भी बड़ा होके पापा बनूंगा। चुप कर, कुछ भी बोलते रहते, चल जल्दी वरना स्कूल बस छूट जाएगी। ऐसे कैसे छूटेगी, बट्टू भैया बस रुका के रखे हैं। ये बट्टू बस क्यों रोकता है? वो पापा उनकी जो बहन है ना, वो हमारे स्कूल में पढ़ती है और देर से आती है हमेशा, तो इसलिए वो उनके लिए स्कूल बस रोक कर रखते हैं। नहीं 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 वो, चल ना भाई चल। अरे ये बटुक जानबूझकर बस रुकवाता है ये। ये टिफिन नीचे, ऑफिस जाने में देर हो रही है ना। अरे भगो बेटा,
बेटा ओवर टाइम करते हो तो रात को जरा संभल के आया करो। आजकल बीवियां पतियों का मर्डर कर रही हैं। क्या? पापा जी अपने बेटे को भड़का क्यों रहे हैं आप? मैं तो रात में बाहर भी नहीं निकलती, मैं क्यों किसी का मर्डर करूंगी? नहीं बहू बेटा मैं, अगर मुझे मर्डर करना ही होता ना तो मैं बारिश में बाहर क्यों भटकूंगी? अरे मैं घर में भी तो कर सकती हूँ, इनके खाने में जहर मिलाकर या फिर इनके नाक पे तकिया दबाकर। क्या बोल रही हो? क्या क्या बोल रही हो तुम? नहीं मतलब मैं सच में थोड़ी ना करने वाली हूँ। अरे बहू बेटा मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, देखो अखबार में क्या खबर निकली है। क्या? एक पत्नी ने कल स्टेशन पर अपने पति को चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। लेकिन पापा जी मैं ट्रेन से कहाँ जाता हूँ, मैं तो स्कूटर से जाता हूँ, और बॉबी मेरा मर्डर क्यों करेगी? बहुत प्यार करती है मुझे, है ना बॉबी? वही तो। थैंक यू। अरे हर बात में बहस करना जरूरी है क्या? रात के अंधेरे में पता लगता है कि कौन किसका पति है। क्या मतलब अंधेरे में कोई किसी को मार दे तो क्या पता लगता है? अरे कानपुर में तुम्हारी ऐसी कटकाठी के कम से कम 2000 लोग होंगे, अब सावधानी बरतने में तुम्हारा जाता क्या है भाई? हाँ नहीं सॉरी, मैं अब से सावधानी रहूंगा, संभल के जाऊंगा। अभी मैं जाऊं ऑफिस, वरना बीवी तो नहीं मारेगी लेकिन कालिया जान से जरूर मार देगा। हाँ जाइए। हाँ, यस गो। हाँ, टेक केयर। नया सीखे लगता है। हाँ? जाइए ना। अरे बहू बेटा जी देखो अखबार में क्या निकला है। अरे हाथी मोहल्ले में एक बहू ने अपने ससुर पर मिट्टी का तेल छिड़क कर माचिस दिखा दी। हनुमान चालीसा ही पढ़िया। अरे वो खाकी वर्दी वाला है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। प्यार खाकी वर्दी से नहीं डरता बेबी। खाकी वर्दी बेबी। गोवर्धन मरेगा और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी बेबी, हमेशा के लिए। हाँ और तुम तो खराटे भी नहीं लेते। तुम मना कर दो तो मैं सांस भी ना लूं बेबी। इतना प्यार करते हो मुझसे, पहले क्यों नहीं कहा? वरना मैं उस हाथी के अंडे से शादी ही नहीं करती। देर आए पर दुरुस्त आए, उस हाथी के अंडे के फूटने का वक्त आ गया है बेबी। एक दो दिन में बताता हूँ उसे कैसे मारना है। हाथी का अंडा, साढ़ू साहब दिखते हाथी के अंडे की तरह, खाकी वर्दी, साढ़ू साहब पहनते खाकी वर्दी है, मतलब बेबी किसी आदमी के साथ मिलकर साढ़ू साहब को निपटाने की कोशिश कर रही है। भगवान दास यार क्या करते हो तुम, डरा देते हो, भूत की तरह आ जाते हो। मैंने कहाँ डराया भगवान दास। हाँ। तुम तो पहले से डरे हुए हो। अच्छा हाँ 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 कन्फर्म हो गया। क्या? ये लोग जिस गोवर्धन की बात कर रहे थे ना। हाँ? वो अपने साढ़ू साहब हैं, उनका मर्डर करना चाहते हैं ये लोग। कौन लोग? आओ तुम इधर। किधर? इधर आओ। अरे इधर आओ, इधर आओ, दिखाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। ये अरे कहाँ गए? यहाँ कोई नहीं है भगवान दास। अरे अरे क्या करते हो? लगता है डरपोक भाग गए। लेकिन तुमने सुना कि ये क्या कह रहे थे? मैंने नहीं सुना भगवान दास, मैं अभी अभी आया हूँ। लेकिन शिवाय मैंने सुना है, वही मैं बता रहा हूँ तुम्हें। वो लोग गोवर्धन मतलब साढ़ू साहब का मर्डर करना चाहते हैं यार। मतलब कोई साढ़ू साहब का मर्डर करना चाहता है? तुम्हारे पास सबूत है भगवान दास? है ना। क्या? वो लोग खाकी वर्दी वाले का नाम ले रहे थे बार बार। ये कोई सबूत नहीं हुआ भगवान दास। खाकी वर्दी तो बहुत लोग पहनते हैं, पियोन भी पहनता है, पोस्टमैन भी पहनता है। अरे लेकिन शिवाय ये शब्द सिर्फ पुलिस वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाकी वर्दी। अरे ये सबूत नहीं हुआ भगवान दास, और कोई सबूत है तुम्हारे पास भगवान दास? हाँ, वो जिस लड़की से बात कर रहा था उसका नाम था बेबी, और बेबी साढ़ू साहब की पत्नी का नाम है। माय लॉर्ड, इस देश में न जाने कितनी लड़कियां हैं जिनके नाम बेबी, बॉबी, मुन्नी, गुड़िया, ये सब होते हैं भगवान दास। मतलब तुम्हारे शक के बिना पर
मैं इस बात का फैसला नहीं कर सकता हूँ। एक सेकंड यार, तुम मेरे साथ केस केस खेल रहे हो। देखो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें बेबी का हाथ है, ये लोग मिलके साडू साहब का मर्डर करना चाहते हैं। समझा करो ना यार तुम बाद में। क्या कसम प्रीति जिंदा की, प्रीति वुमन को देख के डर गए। क्या हुआ ये, तुम कहाँ जा रही हो और यहाँ क्या कर रही हो? कसम रेखा जी, मैं तो घर जा रही थी। और आ कहाँ से रही हो? वो मुझे काम था। चलो मैं फिर चलती हूँ, वो आपके साडू साहब मेरा इंतजार कर रहे होंगे ना। देखा तुमने, घबरा गई। देखा मैंने भगवान ने। अब तो कंफर्म हो गया आयुष भाई कि ये लोग मिलके साडू साहब को मारना चाहते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके ना बॉबी को बता देता हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें बताना चाहिए। करेक्ट। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने बॉबी को बता दिया और बॉबी ने बेबी को बता दिया तो बेबी सतर्क हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए। नहीं बताना चाहिए तुम्हें भगवान दास। अरे यार बताना चाहिए, तुम एक बात बोलो ना, कभी तुम हाँ बोल रहे हो कभी ना बोल रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो मुझे। मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ भगवान दास, तुम पहले से कंफ्यूज हो। अच्छा? हाँ हाँ, तो हूँ मैं कंफ्यूज, तो बताओ ना कि बताना चाहिए कि नहीं। भगवान दास, बीवी वो तुम्हारी है। हाँ। मरने वाला तुम्हारा साडू है। हाँ। मारने वाली तुम्हारी साली है। ये सारी फैमिली तुम्हारी है और मैं फैमिली में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट प्रभु। नहीं नहीं, मुझे बॉबी को नहीं बताना चाहिए, मैं कल ही साडू साहब को जाकर बताता हूँ कि बेबी ऐसा कर रही है। जी क्यों रही हो? मैं हूँ। आप भी ना, अरे अभी यहाँ पर मर्डर होने वाला था और आप हैं कि ऐसे सामने आकर खड़े हो गए। बॉबी, तुम्हें मर्डर के बारे में पता है? हाँ। अरे मैं नॉवेल पढ़ रही हूँ तो मुझे तो पता ही होगा ना। ओह, तुम नॉवेल के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, आप कौन से मर्डर के बारे में बात कर रहे थे? अगर मैंने बॉबी को बता दिया और बॉबी ने बेबी को बता दिया तो बेबी सतर्क हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं बताना चाहिए। आप भी कोई मर्डर करने वाले हो क्या? नहीं नहीं, पागल हो गई हो? अरे मैं भी नॉवल के मर्डर के बारे में ही बात कर रहा था। बहुत अच्छा नॉवल है ये। हाँ, मैंने पढ़ा है। झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं, सच, तुम्हारी कसम, पढ़ा है मैंने। इसमें पुलिस वाले का मर्डर वो माली कर देता है। क्या हुआ? मन करता है तुम्हारा ही मर्डर कर दूं। अरे ऐसे मर्डर मिस्ट्री का एंड कोई बताता है क्या? सारा मजा बर्बाद कर दिया अब तक का। क्या मजा बर्बाद कर दिया? मैं तो सिर्फ सबूत दे रहा था कि मैंने ये नॉवल पढ़ा है, झूठ थोड़ी कह रहा हूँ मैं। उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्या मुझे लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ। खन्ना साहब को देखिए, वो अपनी बीवी से कभी कुछ नहीं छुपाते। सेक्रेटरी के साथ उनका अफेयर चल रहा था, पता था कि बीवी को बताते ही पिटेंगे, पिटे भी, लेकिन बीवी से नहीं छुपाया। और एक आप हैं। क्या आप हैं? मैं भी कुछ छुपाता नहीं हूँ। अच्छा, और मैं किसी सेक्रेटरी से प्यार क्यों करूंगा? मेरी तो कोई सेक्रेटरी भी नहीं है। खाना लगाओ, भूख लगी है। अरे साडू साहब, ये क्या कर दिया मैंने? मुझे कल रात ही साडू साहब को सब कुछ बता देना था, ये मार दिया उन्होंने। साडू साहब, क्या कर रहे हैं आप? आप जिंदा? आपको अफसोस हुआ? नहीं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो फिर आप ये लाश की तरह क्यों पड़े हुए थे? अरे साडू साहब शवासन कर रहे थे, लेकिन ये बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
सरसा। हाँ मैं आपको सचेत करने आया हूँ। क्या बताइए? क्या आपका मर्डर होने वाला है? क्या क्यों किस लिए कब का? देखिए आपको क्यों मारना चाहेगा है? हमारा कौन दुश्मन है? शांत शांत पहले पूरी बात तो सुनिए। आपका दुश्मन घर के बाहर नहीं है, घर के अंदर है। आपको समझे नहीं साढ़ू साहब? देखिए दिल पे पत्थर रखकर आपको सुनना पड़ेगा। अरे बताइए। बेबी आपका मर्डर करना चाहती है। अरे पागल हो गए हैं क्या भाई? बात कर रहे हैं बेकार की। अरे बेबी हमको काहे मारेगी? वही तो कारण नहीं पता है, लेकिन वो आपका खून करना चाहती है। अरे वो एक कॉकरोच नहीं मार सकती, पूरा का पूरा इंसान कैसे मारेगी भाई? प्यार ऐसी बला होती है साढ़ू साहब। बेबी जब हमको प्यार करती है तो हमको काहे मारेगी? वो आपसे नहीं किसी और से प्यार करती है, और वो दोनों मिलकर आपको। देखिए हमको ये यकीन नहीं हो रहा है। यकीन कीजिए, मैंने अपने कानों से परसों रात सुना है, और कल रात तो मैंने बेबी को देखा भी है। हाँ साढ़ू साहब, आजकल वो देर रात से घर आती है ना? हाँ लेकिन वो तो हमसे कह रही थी कि वो हमको कोई सरप्राइज देने वाली है। वो यही सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसके पहले मैंने आपको बता दिया। देखिए आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा। साढ़ू साहब लेकिन बेबी तो हमको बहुत प्यार करती है। अब वो तो जैकी श्रॉफ और उसका बेटा टाइगर श्रॉफ की कसम खा के कहती है कि उसको हमारी हीरो पंक्ति बहुत पसंद है, हम उसके हीरो हैं। ऐसा का? हाँ लेकिन मैंने तो सुना है कि वो आपको हाथी का अंडा कह रही थी। देखिए आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरा काम था आपको सचेत करना, मैंने कर दिया, बाकी आपकी मर्जी। ख्याल रखिएगा। नजर रखनी पड़ेगी। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति को जहर दे के मार दिया। चाय। बेबी चाय पीने का मूड नहीं है। यही तो। अरे ये मसाले वाली चाय है, लीजिए ना। अरे पता है कौन सा मसाला डाला है? बहुत रंगबाजी है। अरे अब दिखाओ अपनी रंगबाजी, दिखाओ दिखाओ। यही तो, तकिए कहाँ गए? क्या है बेबी? वो हमने हटा दिए, वो हमारी गर्दन में दर्द है ना, तो डॉक्टर ने कहा है कि तकिया वकिया लगा के मत सोया करिए। तुम्हारी गर्दन में दर्द है, मेरी गर्दन में थोड़ी ना, मुझे तकिया चाहिए। अरे तुम्हें क्यों चाहिए? क्यों चाहिए मतलब? यही तो, कसम इमरान हाशमी की, तकिया ना तुम्हारे मुंह पे रख के तुम्हारा मर्डर करना चाहती हूँ। सब समझते हैं, तकिया हमारे मुंह पर रखकर हमें हमेशा के लिए गहरी नींद सुलाना चाहती है बेबी, लेकिन हम भी पूरी रात नहीं सोएंगे। अरे दरोगा है, कानपुर के रंगबाज दरोगा है, इतनी आसानी से नहीं मरने वाले हैं। ये लीजिए आपके लिए पकोड़े, खाइए ना, खाइए खाइए। हम नहीं खा सकते। यही तो, कसम माधुरी दीक्षित की, अरे कम से कम एक दो तो खाइए ना, मैंने खास आपके लिए बनाए हैं, अपने इन हाथों से खाइए ना। अरे खा ले हाथी के अंडे और जल्दी से इस दुनिया से रवाना हो जा। नहीं बेबी, ऐसा है कि हमारा जो है पेट खराब है, हम नहीं खा पाएंगे। आप पकोड़ों के लिए मना कर रहे हैं?
मैंने सोच लिया है बेबी कि तुम्हारे पति को कैसे मारना है। इनका प्लान सुनकर मैं साधु साहब को बचा सकता हूँ। हम गोवर्धन को पत्थर से बांधकर गंगा जी में फेंक देंगे। नहीं नहीं, गंगा जी में फेंक देंगे तो मैं निकालूंगा कैसे? नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं। थोड़ा प्यार तो बाकी है। ऐसे आदमी के डूबने से गंगा जी मैली हो जाएगी। तो ट्रेन की पटरी पर बांध देते हैं। नहीं, ट्रेन की पटरी पर नहीं। अरे ट्रेन 4-4 घंटे लेट चल रही है, अब इतना इंतजार कौन करेगा? इतनी भी क्या जल्दी है साढ़ू साहब को मारने की बेबी? थाने में ना जहर मिला देती हूँ। नहीं बेबी, जिस इंसान ने सालों तुम्हें तड़पाया है उसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। ऐसा क्या कर दिया साढ़ू साहब ने? कौन सा तुम्हारा भैंस खुला छोड़ दिया है? सही कह रहे हो तुम, सालों से नहीं सोई मैं। जालिम, इतने खर्राटे लेता है ऐसा लगता है बगल में ट्रेन का इंजन सो रहा हो। अब उस इंजन के पटरी से उतरने का वक्त आ गया है बेबी। आज उसे अपने खर्राटों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। नहीं नहीं नहीं, अरे एक जालिम खर्राटे के लिए तुम एक छोटे से आदमी को मार देना चाहती हो? क्या हो गया? इतनी बार सोचा कि मुंह पर ना तकिया रखकर हमेशा के लिए खर्राटे बंद कर दूं, पर रुक गई। क्या आइडिया है, यही करो, एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरेगा। प्लान है। मैंने कुछ नहीं सुना। मुझे मत मारो। पापा जी! अरे बुड्ढे की जान लोगे क्या? नहीं नहीं, नहीं सुन, सुन। क्या हुआ? क्यों चीखे? वो मैं नहीं, वो पापा जी चीखे। वही तो, लेकिन हाँ तो आप रहे हो, क्या हो, क्या गया? हाँ क्या हो गया पापा जी, क्या हो गया? अरे हमें क्या होगा, हाँ तुम रहे हो, तुम्हें पता है ना क्या हुआ? मैं हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मेरा वजन बढ़ रहा है तो मैं ऑफिस से जॉगिंग करके आ रहा था ताकि दुबला हो जाऊं, इसलिए हाफ रहा हूँ बस। खुश, ये पकड़ो, और गला सूख रहा है मेरा, और एक ग्लास पानी लेकर के रूम में रखो। अच्छा तो, पापा जी आपको पता है बेबी किसी के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर करने वाली है? पता है? हाँ? अरे हम तो खुद 2 दिन से गोवर्धन के मरने का इंतजार कर रहे हैं। क्या? आपको पता है तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? अरे बेटा हम क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार करने के। लेकिन आपको पता है कि बेबी अपने पति का मर्डर क्यों कर रही है? वो खर्राटे बहुत जोर से लेता है भाई। ये भी पता है? अरे पापा जी, कोई खर्राटे लेने पे किसी की जान कैसे ले सकता है? अब भाई ये तो उन दोनों का पर्सनल मामला है, जैसा ठीक समझेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं भाई, जैसा लिखने वाले ने लिख दिया है वही तो होगा ना। अब जाओ हमको सोने दो भाई। पता होने के बाद भी कोई किसी को? शिवाय यार तुमने ही लिखी है ना, ये साढ़ू साहब के नसीब में ऐसी मौत क्यों लिख दी है? चेंज कर दो प्लीज, चेंज इट। मैं लिखा पढ़ी नहीं करता भगवान दास। हाँ तो तुम कुछ करो ना, तुम तो भगवान हो, इसे रोक सकते हो। अरे मैं कैसे रोकूं भगवान दास, तुम रोक लो यार। भगवान हो ना, आजकल जी का जंजाल हो गया है। ठीक है रोक लूंगा मैं, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद, तुम्हारी मदद के बिना भी ना मैं ये हादसा होने नहीं दूंगा, देख लेना तुम। अरे अब जाता है या दूं गिलास खींच के? अभी आधी रात को खंबे से बात कर रहा है पगलट कहीं का? किसी की जान बचाना पुण्य का काम होता है, पर आजकल पुण्य कमाना आसान नहीं। देखते हैं भगवान दास क्या करता है। अरे बॉबी, बॉबी, अरे देखो कौन आया है। अरे साढ़ू साहब, इतनी सुबह सुबह, वैसे तैयार होके मैं ही आने वाला था आपके घर, लेकिन आप? अरे अब वो घर नहीं रहा साढ़ू साहब, मकान हो गया है। ऐसी चार दीवारी जिसकी एक दीवार में हमें अनारकली की तरह चुनवाने की साजिश रची जा रही है,
अब हम बेबी के साथ नहीं रह सकते। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ साड़ू साहब, लेकिन ये भी अच्छा है आपने सही फैसला किया है गांव जाने का। अरे अरे गांव नहीं जा सकते भाई, मतलब अरे छुट्टी नहीं मिलेगी, मंत्री जी का दौरा है। अरे कमाल करते हैं आप, मतलब जिंदगी से छुट्टी मिल जाए चलेगा, लेकिन नौकरी से आप छुट्टी नहीं ले सकते। अरे नहीं ले सकते भाई, कल ही जो है एसपी साहब की गाड़ी हम तो ठुक गई, वो भी नाराज है हमसे। क्या करते रहते हैं आप, तो फिर ये सूटकेस लेकर कहां घूम रहे हैं साड़ू साहब? ऐसा है अब हम यहीं रहेंगे, बेबी के साथ रहने में हमको बहुत डर लगता है। नहीं 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 मैं समझ सकता। सुनिए ये बात किसी को बताइएगा नहीं, दरोगा है भाई, कानपुर में कितनी रंगबाजी है हमारी, अगर किसी को पता लगेगा तो कितनी मजाक उड़ाएगा हमारी। हाँ नहीं नहीं बात तो सही है। अरे जीजा आ गए सुबह सुबह। एक मिनट, ये आप सूटकेस लेकर क्यों आए हैं? बॉबी ऐसा है कि अब हम यहीं रहेंगे, बेबी के साथ हम नहीं रह सकते। लगता है झगड़ा हुआ है बेबी के साथ। बॉबी क्या हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ जीजा जब तक चाहे रह सकते हैं। अब दिन ही कितने बचे हैं? है? क्या नहीं मतलब महीने में अब दिन ही कितने बचे हैं, अब दो चार दिन में महीना भी खत्म हो जाएगा और मेहमान है तो रख ही सकते हैं आपको। मैं इनका सामान अंदर रखता हूँ, आइए आइए। लगता है इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है, वरना इस तरह से घर छोड़कर जाने की तो खन्ना साहब की भी हिम्मत नहीं होती कभी। खन्ना! लेकिन बेबी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया? हमारी जान बचा लीजिए भगवान। मैं पूरी कोशिश करूंगा गोबर बेटा। अरे आखिर ऐसा क्यों कर रही है बेबी? अब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, पत्नी तुम्हारी है। अब देखो हमें तो पार्वती जी का पूरा पता होता है कि वो कहाँ कब क्या कर रही है। तुम इनसे बात कर रहे हो? मैं तो सबसे बात करता हूँ। हाँ वो बात अलग है कि ये बेचारे मेरी बात को सुन नहीं पाते। आप किससे बातें कर रहे हैं साड़ू साहब? वो शिवाय से। मर्डर हमारा होने वाला है, दिमाग आपका खराब हो रहा है। कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत अच्छे आदमी है साड़ू साहब। और सच बताऊं तो आपको जिंदा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सुबह से ऑफिस में टेंशन में था कि पता नहीं कब फोन आ जाए कि आपका। हमें भी देखिए हम बेबी पे नजर रखे हैं, लेकिन हमको डर उस आदमी से ज्यादा लग रहा है जो बेबी का इसमें साथ दे रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? साड़ू साहब आप तो यूं 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 करके पता लगवा लेंगे, तो आप ही क्यों नहीं पता करते हैं? अरे कर तो रहे हैं। तू? अरे बेबी का पीछा कर रहे हैं सुबह से, इस चक्कर में 2 किलो वजन भी कम हो गया है। साड़ू साहब ये बेबी हमें मारना क्यों चाहती है? देखिए कारण तो मुझे पता है, बहुत ही ऐसा सा कारण है। बताइए। खर्राटे की वजह से। लेकिन बेबी की अम्मा भी तो खर्राटे लेती है, वो अपनी अम्मा को तो कभी मारने की नहीं सोचती। अच्छा? अरे मूर्ख आदमी, उनकी माँ खर्राटे अपने गांव में लेती है, उससे बेबी की नींद को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे बोलो ना इससे। हाँ समझे? क्या? हाँ कुछ नहीं, आप मेरे साथ घर पे चलिए, मैं आपको इत्मीनान से समझाता हूँ। प्रणाम कीजिए। हाँ प्रभु। हाँ आइए। बेचारे वैसे कभी कभार मुझे तुम मनुष्यों पर बहुत तरस आता है, आना भी चाहिए? काम खत्म करके सो जाते हैं तो। बेबी कसम है सर की, अरे इतनी खूबसूरत बेबी को देखकर डर गए? वही तो, यही तो। और आजकल आप हो क्या गया है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? है? अरे हमने बुलाया है इन दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए। यही तो, कसम अतुल अग्निहोत्री की, हो क्या गया है? अरे आप मुझसे नाराज क्यों है? ऐसा किया क्या है मैंने? तुम्हें नहीं पता है बेबी। कसम आमिर खान की, अरे इनके दिल की बात मैं कैसे जानूंगी? अरे लेकिन हम तो जान गए हैं तुम्हारे दिल की बात, है ना साड़ू साहब? हाँ। अरे मतलब ये पति पत्नी के मामले में आप लोग मुझे क्यों घसीट रहे हैं? वही तो, सांड सांड की लड़ाई में बेकार में बागड़ का नुकसान हो जाएगा। तो क्या 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 क्या? सॉरी। गंदी बात। हमें तो बहुत नींद आ रही है, हम अंदर जाके सो जाते हैं।
आप लोग भी अंदर जाके सो जाइए ना। चलो। हम तो आपके कमरे में सोएंगे। यही तो कसम मल्लिका शेरावत की। अरे ये तो ऐसे घबरा रहे जैसे मैं उनका मर्डर कर रही हूँ। वही तो खन्ना साहब को देखो, उनको कहते हैं पति। उनकी बीवी अगर उनकी जान भी लेना चाहे ना तो भी खुशी खुशी अपनी जान दे देंगे। हर कोई तुम्हारे खन्ना की तरह बेवकूफ नहीं होता है जो हंसते हंसते अपनी जान दे दे। चल बेबी, इनको तो खन्ना साहब की बुराई करने में ही मजा आता है। यही तो। चल आज रात तो बच गए। आप बहुत अच्छे आदमी सो तो है। साड़ू साहब। हाँ। ये खन्ना का मामला संभाल लेना गुरु। खन्ना का क्या मामला? अरे ये बॉबी जो हर बात पे खन्ना खन्ना करती रहती है ना, किसी दिन इसी खन्ना के चक्कर में निपटा देगी आपको। क्या बोल रहे हैं आप? अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। ऐसा है, दरोगा है, कानपुर के रंगबाज दरोगा है। ऐसे कई केस आते हैं हमारे थाने में। हाँ हाँ, बहुत रंगबाजी है ना आपकी। तो एक काम क्यों नहीं करते, जाकर के उस आदमी को पकड़िए जो बेबी के साथ मिलकर आपको। अरे हम पर काहे भड़क रहे हैं, हम तो सतर्क कर रहे हैं आपको। ये बेबी के साथ बॉबी है, कहीं बेबी ने बॉबी के दिमाग में कुछ भर दिया ना तो ये दोनों कातिल बहनें जो हैं एकदम मस्त करिश्मा दिखाएंगी। और हमारे साथ साथ आपको भी ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या रात को तो अच्छी बातें कीजिए, कुछ भी बोलते हैं, सो जाइए। जहर? हाँ? अरे हम दो तीन घूंट पी चुके हैं साड़ू साहब। सपना देख रहा था। अच्छे बाप रे। बहू बेटा, मैं तो कहता हूं कि गोवर्धन जैसे आदमी को मार ही देना चाहिए। वही तो। सच में पापा जी, आज अगर उस बेबी ने गोवर्धन को नहीं मारा ना तो मैं जरूर उसे मार दूंगी। ओहो, इसका मतलब ये भी इस साजिश में शामिल है। अरे यहाँ रहना बहुत खतरनाक है गोवर्धन दुबे, निकल लो यहाँ से। यही तो, कसम धर्म पाजी की, अरे मैं उसका खून पी जाऊंगी। पानी ना सर से ऊपर चला गया है, जैसे मुझे मिले ना मैं सीधे गोली मार दूंगी। हाँ, रिवॉल्वर तो है हमारे पास, गोली तो नहीं मार पाएगी। कहीं कट्टा वट्टा तो नहीं खरीद लिया बेबी ने? आराम से कहाँ। मैं फोन करती हूँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए जीजा जी। देखो क्या है कि एक अच्छा पति ना बड़े नसीब से मिलता है। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है। खराटे के लिए किसी की जान लेना ये तो गलत है ना? हाँ हाँ गलत है। है ना, तुम भी मानती हो ना? यही तो, लेकिन ये आप मुझे क्यों समझा रहे? यूं ही? यूं ही मुझे लगा कि यूं ही। कहने का मतलब ये है बेबी कि देखो तुम एक समझदार लड़की हो,
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। इसलिए तुम साढ़ू साहब को मार दो। बगल में छोरा, पूरे गांव में ढंडोरा। अरे आप ही, वो आप ही है। आप ही है वो, मतलब कौन है ये? अरे आस्तीन के सांप है ये। अरे साढ़ू साहब साली आधी घरवाली होती है, और आप तो आज आधी को पूरी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। साढ़ू साहब क्या बोल रहे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा खेले हैं साढ़ू साहब, बहुत अच्छा खेले हैं। अरे अरे हमारा ध्यान बटा दिया और कहा कि कोई हमारी जान लेने वाला है, लेकिन अब पता चला कि वो तो आप ही है। चीजा जी आपको क्यों मारेंगे? अरे वो बेचारे एक मच्छर तक को नहीं मार सकते। देखिए साढ़ू साहब, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। बेबी सच्चाई बताओ ना। यही तो बंद करिए ये नौटंकी। देखिए साढ़ू साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अरे बेबी मेरी बहन की तरह है। अरे बहन की तरह है? अरे तो फिर वो कौन चीजा है? क्या जिसका पूरा खानदान हमें मारने के चक्कर में लगा हुआ है, बताइए। पूरा खानदान? चुप रहिए साढ़ू साहब, चुप रहिए आप। हमने बॉबी और पापा जी को बात करते सुना है कि वो हमारी जान लेना चाहते हैं। ये सब हो क्या रहा है? साढ़ू साहब आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। अगर ये बात सच निकली ना तो आज ही कयामत आएगी। आइए मेरे साथ। अरे चलिए आ रहे हैं। कसम है सर की, ये क्या पहेली है? बॉबी, पापा जी, बॉबी, क्या हो गया? हाँ। क्या हो गया? आप दोनों मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, क्या आप दोनों भी बेबी के साथ साढ़ू साहब को मारने के साजिश में शामिल हैं? बेबी बेटा, तुम गोबर बेटा को जान से मारना चाहती हो? देख बेबी, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। माना कि जीजा जी में थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उनको जान से मार दे। कसम रितेश देशमुख की, आप सब मुझे एक विलन बनाने पे क्यों तुले हुए हो? अरे मैं इनका मर्डर क्यों करूंगी? देखा, एक्टिंग देखी इन सबकी। अरे बंद करिए ये नौटंकी। चाचा जी, बॉबी, हमने अपने कानों से आप दोनों को हमारे मर्डर के बारे में बात करते सुना है, और मैंने अपने कानों से बेबी तुम्हें किसी आदमी से साढ़ू साहब का मर्डर का प्लान बनाते सुना है। कसम गोविंदा की, जीजा जी आप मुझ पर इतना झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। तुम उस आदमी से बात करके उस गली में मुझे मिली थी कि नहीं? अरे तुम रोज रात गायब होकर उसी आदमी से मिला करती हो। अरे वो तो बेबी कराटे क्लास जाती है 9:30 से 10:30 तक। क्या? यही तो। अरे मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी कराटे सीखकर। आपको हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी ना, इसलिए मैंने सोचा अगर कराटे सीख लूंगी तो अपनी हिफाजत खुद कर लूंगी, और आप लोगों ने मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगाया। जी, गोवर्धन मर गया। क्या? बेबी ने गला दबा दिया। अरे मौसा जी के लिए ऐसी गंदी बात नहीं करते, माना कि घबराए हुए मर जाएंगे तो? अब बताओ, 3 दिन से तो हम गोवर्धन के मरने का इंतजार कर रहे थे। देखा देखा, सुना आपने क्या? तुम्हारी बेकार की बातों की वजह से सब कुछ सुनने से रह गया। ए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा जी, क्या सुनना चाह रहे हैं आप लोग, क्या नहीं सुन पा रहे हैं? अरे रेडियो ड्रामा सुनने थे, लाओ इतना लाओ। वही तो, गोवर्धन मर गया और हम ठीक से सुन भी नहीं पाए। मैंने मार दिया रमेश, मैंने गोवर्धन को मार दिया। अब मुझे कभी गोवर्धन मिश्रा के खर्राटे नहीं सुनने पड़ेंगे। अरे पूरे बिस्तर पर लोट लोट कर मैं अकेली सोऊंगी। मिश्रा, मिश्रा है ये। 14 साल की सजा खत्म हुई बेबी। हाँ रमेश, मेरा बनवास पूरा हो गया। अब मैं रोज 9-9, 10-10 घंटे सोऊंगी। दोपहर में छपकी मारूंगी। सालों बाद मेरे नसीब ने करवट ली है। बेबी गोवर्धन मिश्रा की मौत पर खुश है, पर ये नहीं जानती कि कोई है जिसने उसे मर्डर करते देखा है। कौन है वो, ये जानने के लिए सुनिए कल रात 10 से 10:30 बजे तक हमारा रेडियो धारावाहिक खर्राटे जानलेवा है। तो नमस्कार, गुड नाइट, शब खैर।
आप बोलो क्या कह रहे थे तुम दोनों, किसका कत्ल, किसका मर्डर, किसकी जान? बताइए। बोलिए। वो सिर्फ छेड़ रहा था, मतलब मजाक कर रहा था। मजाक ही था साढ़ू साहब। ये मजाक कर रहे थे आप हैं? अरे इतना बड़ा मजाक किया गया, हमारी जिंदगी के साथ मजाक हो जाता। सुनिए कल थाने में आइए, फिर हम असली मजाक करेंगे आपके साथ। अरे असली मजाक तो मैं करूंगी आपके साथ, जरा घर चलिए। वो क्या है ना, मैंने जो नया नया कराटे सीखा है ना, उसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। चलिए घर। साढ़ू साहब आप भी बहुत खराटे लेते हैं। अरे चुप रहिए आप, अब तो पिटेंगे। आप मरवा क्या आपने? ये भी ना पापा जी, इनके दिमाग में रोज नए नए फितूर आते रहते हैं। खन्ना साहब को देखिए, वो कभी अपने परिवार के साथ ऐसा मजाक नहीं करते। ठीक है, बैग रखो। चलो बच्चों खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। भगो बेटा। जी पापा जी। भगवान ने तुमको भी बड़ी फुर्सत में बनाया होगा। थैंक यू। खुश रहो, खुश रहो। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? बहुत हंसी आ रही है। बता नहीं सकते थे कि रेडियो ड्रामा था वो। मतलब सुना तुमने, शक तुमने किया, गोवर्धन बेटा को बताया तुमने और तुम मुझे बोल रहे हो। लेकिन तुम बता तो सकते थे ना कि मैं जो ये शक कर रहा हूँ ये गलत है। पूरे परिवार के सामने इज्जत का फालूदा हो गया यार। जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तुम हो भगवान दास। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कानों सुनी बात पर विश्वास करना गलत बात है। करेक्ट है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन रेडियो ड्रामा आप सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो एक बार गली में झांक कर देख लिया होता भगवान दास। अरे देखा तो था, तुमने भी तो देखा था ना यार, वहाँ कोई था। हाँ चौकीदार होगा, रोज रेडियो सुनता है। तुम्हें पता है कि वो चौकीदार था? अरे नहीं भगवान दास, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। क्या अंदाजा लगा रहे थे, तमाशा बन गया यार। बेचारे साढ़ू साहब, पता नहीं क्या बीती होगी उन पर। एक बात और याद रखना भगवान दास, कानों सुनी बात पर विश्वास करने वाला मूर्ख होता है, और बिना छानबीन किए नतीजे पर पहुंचने वाला महामूर्ख। कंफ्यूज कर रहे हो मुझे, मैं मूर्ख हूं कि महामूर्ख? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मेरी अंतरात्मा तो यही कहती है शिवाय कि मैं महामूर्ख हूं। ये तो अच्छा हुआ कि डर और टेंशन के चक्कर में साढ़ू साहब को हार्ट अटैक नहीं आया, वरना बॉबी और बेबी। छतरी वाले, छतरी वाले।